जैन साथियों, आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं घर पे हूँ, तो घर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा छत है, और देखिए बगल में जो गेहूँ वो अभी मेरी मम्मी सुखाई है तो रखा हुआ है। आप लोग को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब आएगी, रिज़ल्ट कब आएगी। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि फिर से दोबारा मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप लोग को। अभी मेरा छोटा भाई अभी नहीं है, क्योंकि वो रहेगा तो उसके साथ में मैं और आपको गांव दिखाऊंगा, कहीं बाहर जाकर वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी स्कूल चला गया, वो छुट्टी से आएगा, तब फिर आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक इस वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ना अभी काफ़ी यहाँ ठंड हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि छत पे वीडियो बनाऊंगा धूप में, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं छुट्टी से आया हूँ, तो आप लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। कुछ भाई ने कॉमेंट भी किया कि भाई आप कैसे सही सलामत तो घर पहुँच गए ना, तो हाँ मैं बिल्कुल सही सलामत पहुँच गया, और फिर मैं अपने घर आ गया हूँ, और बिल्कुल खाना वाना नाश्ता वाना मैंने कर लिया। और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि BSF के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रिज़ल्ट कब आएगी, किस मंथ में, कितनी तारीख को आएगी, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि रिज़ल्ट आपको अब ज़्यादा देरी नहीं है रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट आप लोग के काफ़ी अभी ये फरवरी मंथ में आप लोग को बताएं कभी भी आ सकती है। फरवरी मंथ में किसी भी डेट, फरवरी फर्स्ट वीक हो, चाहे सेकंड वीक हो और थर्ड वीक हो, और फोर्थ हो गई नहीं, सर चको 28 चलो मानते हैं फोर्थ वीक, आपको फरवरी मंथ में किसी भी डेट में आपके रिज़ल्ट आ जाएगी। तब तक आप लोग को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, BSF की फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट आ गई है। इससे सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया ये दो बार जो नया वैकेंसी है वो कैंसिल तो नहीं होगा। मैं बताऊँ, ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होगी ये वैकेंसी। आप लोग की वैकेंसी, ये जो आपकी एग्ज़ाम हुई है, इसका रिज़ल्ट में डिले होने का सबसे मेन वजह है कि आपकी पेपर लीक होने की वजह। और कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि पेपर लीक होने की वजह से, हवा की वजह से, देखिए मेरा फ़ोन में वाइब्रेटिंग हो रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि पेपर लीक होने की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं। तो नहीं, पेपर लीक होने के सबसे बड़े चांसेज ये कि आप लोग के रिज़ल्ट में उसी के वजह से डिले होने का बहुत बड़ा कारण वही था कि बहुत सेंटर पे कि आप ही पेपर लीक हो गया। उससे क्या है कि आप लोग जो भी कैंडिडेट्स जो अच्छा है, जो तैयारी करके गया, उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर BSF ये क्या करता है, किसी स्टूडेंट के साथ गलत इंसाफ नहीं होना चाहिए। तो वही सोचा कि नहीं, इसके पहले अच्छी से बारीकी किया जाए, उसके बाद ही आप लोग को जिस सेंटर पर पेपर लीक हुए हैं उसका डेटा एक निकाल रहा, उसके बाद ही आप लोग का रिज़ल्ट पब्लिश करेगा। उस रिज़ल्ट होने के बाद आपके 15 दिन में आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। तो मेडिकल के लिए आप लोग को जो भी, ये वीडियो आप लोग को बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो है। मेडिकल के लिए आप लोग अभी से ही नॉर्मल सेफ्टी में रहें, और जो भी आप लोग को पॉइंट्स है और मेरे को बताएं, मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से वो पॉइंट को दूर करूंगा। अगर एक्सरसाइज से ठीक होने वाले तो एक्सरसाइज बताऊंगा, और नहीं तो फिर वो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड रहेगा तो मैं आप लोग को ट्रीटमेंट बताऊँगा, और नहीं तो फिर आपके कुछ और पॉइंट रहे तो उसके लिए भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। और फिर आप लोग को तो मैं बताऊँ कि जिस पर्पज़ पर आप लोग को कॉमेंट करनी है वो उस पर्पज़ पर आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को फिर फाइनल बताऊँ कि आप लोग रिज़ल्ट इसी मंथ में हो सकता है आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगी, चाहे फरवरी फर्स्ट वीक हो या सेकंड वीक हो या थर्ड वीक हो, किसी वीक में आप लोग को इस मंथ में रिज़ल्ट आ जाएगी। उससे बड़ी बात कि आप लोग अगर SSGD का एग्ज़ाम दिए हैं तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग का स्कोर कितना है वो कृपया हमें बताएँ। आप लोग के कितना, कौन से स्टेट से है और कौन से कैटेगरी है आप वो बताएँ, फिर आप लोग को मैं बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। कृपया कॉमेंट में लिखना ना भूले, स्टेट लिखिएगा, उसके बाद अपना कैटेगरी लिखिएगा, आप कितना अटैम्प्ट करके आए हैं, कितने आपके नेगेटिव मार्किंग, कितने आपके रॉन्ग हुए, कितने आपके करेक्ट हैं वो जरूर बताइएगा। फिर आप लोग को मैं एक्चुअली बता दूंगा कि आप लोग की सिलेक्शन होने के कितने चांसेज हैं, आपके कितने कटअप जाएंगे, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और उससे बड़ी बात एक और है कि आप लोग की जो BSF की न्यू रिक्रूटमेंट आई है, सभी कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं कि सर न्यू रिक्रूटमेंट्स की वजह से जो पुराने वाले वैकेंसी है वो तो कैंसिल तो नहीं होगा। तो नहीं, बिल्कुल गलत फहमी है, कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग को दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आएगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग जिस पर्पज़ पे कमेंट कीजिएगा उस पर्पज़ पे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर आप लोग को किसी तरह का डाउट है तो हमें बताएं। फिर से मैं दोबारा आप लोग को बोल रहा हूँ कि कृपया सेफ्टी से रहें, ज़्यादा बाइक का यूज़ मत करें, क्योंकि आप लोग को रिज़ल्ट के बाद आप लोग को बहुत काफ़ी कम समय दिया जाएगा, और रीमेडिकल में आप लोग को 24 घंटे का टाइम है, तो 24 घंटे में आप लोग को रीमेडिकल हो जाएगा। तो बिल्कुल केयर से रहें, केयरफुली रहें, इधर उधर ज़्यादा मत घूमें, और रिज़ल्ट अब आने के बिल्कुल चांसेज है। फरवरी में आप लोग को किसी भी दिन आप लोग को रिज़ल्ट का फेस देखने को मिल जाएगा। आप रिज़ल्ट फरवरी में कोई भी मंथ में, फरवरी के कोई भी दिन में, कोई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको रिज़ल्ट आ जाएगी, यही इन्फॉर्मेशन अभी तक आ रही है। और बाकी आप लोग कुछ कैंडिडेट्स अपोजिट डायरेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर आपने प्रोवाइड जो इन्फॉर्मेशन किया वो आपने
तो जो उन कैंडिडेट्स को मैं बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वही मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कि अपना मन से मैं अपने बेफिजुल बातें आप लोग के सामने प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग की ये गलत फहमी है, मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे को लगती है कि सही है वही मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो बस वीडियो में इतना ही था, आप लोग के रिजल्ट अब आ जाए इसी मंथ में आ जाएगी। आप लोग के बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे इसकी वजह से मेरे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। तब तक लिए आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और फिर लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट करें। जय हिंद जय भारत।